आज कर्नाटक से बिहार के श्रमिकों को लेकर ट्रेन आने वाली थी, जिसे एन वक्त पर रद्द कर दिया गया। समाचार के मुताबिक वहां के माननीय मुख्यमंत्री और वहां के बिल्डर एसोसिएशन से आपसी बातचीत के बाद इसको रद्द किया गया, क्योंकि वो बिल्डर नहीं चाहते थे जो श्रमिक बिहार चला जाए। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो श्रमिक हैं वो किसी अन्य राज्य का बंधुआ मजदूर नहीं है, आज वो अपने घर आना चाहते थे। मैं यहाँ के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी को कहना चाहता हूँ, जो कर्नाटक में उनकी सरकार है, कहीं उनके और बिहार सरकार के रजामंदी से तो यह फैसला नहीं लिया गया? अगर नहीं लिया गया है इनके रजामंदी से, तो मैं आग्रह करता हूँ बिहार सरकार से, जो अविलंब कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात करके हमारे श्रमिकों को बिहार लाने की अविलंब व्यवस्था की जाए। मैं समझता हूँ यह न्याय संगत होगा। नमस्कार, आज हमारे एनएसयूआई की एक पैरामेडिकल की छात्रा मुनीरा, जो एनएसयूआई में एक अहम कद बना ली है, पूरे लॉकडाउन के दरमियान दरभंगा एनएसयूआई के द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, मास्क, सैनिटाइज, हैंड वॉश, ग्लव्स जैसे सामग्री के माध्यम से, उसमें मुनीरा ने अपने हुनर के वजह से, अपने सिलाई के ज्ञान के वजह से पूरे दरभंगा को लगातार मास्क बना बना करके देने का काम किए हैं। आज पुनः फिर मास्क दे करके दरभंगा एनएसयूआई के जागरूकता अभियान में अपना अहम योगदान दी है। इसके लिए पूरे दरभंगा एनएसयूआई की ओर से हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। इस मुनीरा को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी भी सराहनीय किए हैं। इसके लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी के प्रति दरभंगा एनएसयूआई आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। त्रिभुवन कुमार, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष, दरभंगा। नमस्कार।